नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में पंजीयन शुरू। गेहूं बिक्री के लिए दोबारा शुरू हुआ पंजीयन। 15 जून तक मिलेगी मिनी बीज किट। गुड़ और गोबर से बनेगी जैविक खाद। मानसून के आगमन से खेती बाड़ी के काम में आई तेजी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना में पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक किसान 25 जून तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। योजना के तहत धान के बदले अन्य फसलों की खेती करने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता मिलती है। धान के बदले मक्का, मूंगफली, कपास, ग्वार, दलहन, सब्जियां, फल आदि की खेती करने पर सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों की सुविधा देखते हुए गेहूं पंजीयन दोबारा शुरू कर दिया गया है। कोरोना महामारी या अन्य कारण से जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है वो अब पंजीयन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप पंजीयन करा सकते हैं। केंद्र सरकार दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए बीज मिनी किट कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत किसानों को उन्नत किस्म के गुणवत्तापूर्ण बीज मुफ्त में दिए जा रहे हैं। सरकार ने 13,91,000 मिनी किट 15 जून तक वितरण करने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ में गुड़ और गोबर का उपयोग कर जैविक खाद बनाई जाएगी। इस खाद को सुपर कंपोस्ट ब्रांड के रूप में बेचा जाएगा। इसे तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को यह 6 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगी। मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। मानसून विभाग के मुताबिक 15 जून तक मानसून के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। मानसून के आने के साथ ही किसान खरीफ फसल की तैयारी कर चुके हैं। बुआई का काम तेजी पर है। उम्मीद है कि बारिश होने पर इसमें और भी तेजी आएगी। किसान भाइयों, कृषि भाई के समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।